स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 6.6 फ्रॉम पेज नंबर 170 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं. 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्नड इन ए वार्म कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. ठीक है, आपके पास 1 ग्राम ग्रेफाइट जो है वो गिवन है. ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म. अब बोल रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन. ठीक है, कि ये जितनी भी रिएक्शन चल रही है इसके ड्यूरिंग जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन से 299 केल्विन जो है वो राइज हुआ है. इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम कैलोरीमीटर इज 20.7 किलो जूल पर केल्विन. ठीक है, कि अगर हम हीट कैपेसिटी जो है बॉम कैलोरीमीटर की वो 20.7 किलो जूल पर मोल अज्यूम करते हैं, what is the enthalpy change for above reaction at 298 Kelvin and 1 atmosphere. ठीक है, कि ये जो reaction है इसकी जो enthalpy change observe होगी at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure वो कितनी आएगी. ठीक है, तो इसमें हमने mainly 3 formula जो है वो implement करने हैं. ठीक है, हमने find out क्या करना है, हमने find out enthalpy change find out करनी है, delta H की value. तो उसके लिए डेफिनेटली हम इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी का फॉर्मूला लगा के. ठीक है, अब ऑब्वियसली डेल्टा यू हमारे पास गिवन नहीं है, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले डेल्टा यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे. डेल्टा यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू का फॉर्मूला लगा के. ठीक है, और थर्ड हमारे पास डेफिनेटली हीट जो है वो भी गिवन नहीं है, तो हम क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द रिएक्शन वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ रिलेशन सी वी इनटू डेल्टा टी. ठीक है, अब डेफिनेटली हमारे पास जो हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम कैलोरीमीटर है वो गिवन है, सो यू जस्ट राइट सी वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 20.7 किलो जूल पर केल्विन. ठीक है, अब हमारे पास हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है रिएक्शन का वो 298 केल्विन से 299 केल्विन जो है राइज कर रहा है. ठीक है, तो अब क्या करेगा, डेफिनेटली अगर मैंने 298 पे एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है इसमें से इवॉल्व होगी, मतलब रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होगी. तो डेफिनेटली जो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ हीट आएगी फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर वो हम फाइंड आउट करने के लिए ये जो सी वी इंटू डेल्टा टी है इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस सी वी इंटू डेल्टा टी कर देंगे. ठीक है, अब सी वी गिवन है, डेल्टा टी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, T2 माइनस T1. ठीक है, अब T2 कितना है, T2 हमारे पास 299 केल्विन है, ओके, माइनस 298 केल्विन आ गया, राइट. अब डेफिनेटली डेल्टा T की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 केल्विन, ओके. अब ऑब्वियसली हम 3-2-1 फॉर्मूले जो है वो लेके चलेंगे, तो हम पहले Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. आप यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर दो, माइनस नाउ हीट कैपेसिटी 20.7 किलो जूल पर केल्विन इनटू 1 केल्विन आ गया. ठीक है, केल्विन के साथ आपने केल्विन कैंसिल कर दिया. अब ऑब्वियसली 20.7 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हो तो आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी माइनस 20.7 किलो जूल. That is the quantity of heat from the reaction mixture. Clear है? अब next हमने find out करना है internal energy change. Definitely delta U की value find out करनी है. तो हमारे पास formula क्या आ जाएगा? अब internal energy change find out करने के लिए delta U equal to Q minus W, right? अब obviously W जो है वो हमारे पास given नहीं है work done. तो हम क्या करेंगे? हम इसको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशन डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, अब ये हम जो है आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, सो इट विल बी पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा, राइट. पी वी इक्वल टू एन आर टी वाला फॉर्मूला लगा के. अब यहाँ पे P डेल्टा V की जगह पे मैं डेल्टा एन जी आर टी जो है वो पुट कर सकती हूँ, सो इट विल बी डेल्टा U इक्वल टू
माइनस डेल्टा एन जी आर टी आ गया, राइट right? अब मुझे पता है कि डेल्टा एन जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म आ जाएगा, राइट right? अब ऑब्वियसली अगर मैं ये रिएक्शन देखूं तो इसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आप यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, राइट। तो इसके हिसाब से डेल्टा एन जी जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एन पी माइनस एन आर, राइट। सो यू कैन राइट डेल्टा एन जी इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट मीन्स 0, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, सो इट विल बी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस 0 इंटू आर टी आ गया, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेटली डेल्टा यू इक्वल टू क्यू के इक्विलेंट आ गया। सो डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, दैट इज -20.7 किलो जूल, राइट। ये किसके लिए आ गई है, ये 1 ग्राम ऑफ जो हमारे पास ग्रेफाइट आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई है। सो यू जस्ट राइट दस डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ वन ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू -20.7 किलो जूल, राइट। अब आपने 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना है, सो यू जस्ट राइट डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल में हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, 12 ग्राम आगे, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इक्वल टू -20.7, डेफिनेटली हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, सो 20.7 किलो जूल डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू 12 ग्राम आ गया, ठीक है। ग्राम के साथ अपने ग्राम कैंसिल कर दिया। अब जब आपने -20.7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट -248 किलो जूल, राइट। दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ द ग्रेफाइट, ठीक है, कि 1 मोल ग्रेफाइट के लिए हमारे पास इतनी एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व हो रही है, राइट। अब हमने थर्ड जो है एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी आ गया, ठीक है। डेल्टा एन जी जो है वो 0 आ चुका है, सो इट विल बी डेल्टा एच, ये हमने नंबर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट जो है उसके लिए फाइंड आउट करना है, डेल्टा यू प्लस 0 इंटू आर टी आ गया, ठीक है। सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आ गया, दैट इज 248 माइनस का साइन साथ में आएगा किलो जूल पर मोल, राइट। इसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो, सो डेल्टा एच इक्वल टू -2.48 इंटू 10^2 किलो जूल पर मोल, दैट इज योर फाइनल आंसर।